चैप्टर हमारा तो थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। प्रथम नियम ऊष्मा गतिकी का, तो ऊर्जा के संरक्षण का नियम है यह, जो कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, यद्यपि उसको परिवर्तित किया जा सकता है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम के नियम का गणितज्ञ रूप माना कि एक प्रणाली है जिसके पास उसका आंतरिक ऊर्जा है E1। यदि प्रणाली अवशोषित करता है Q मात्रा ऊष्मा का, तब उसका आंतरिक ऊर्जा हो जाता है E1+Q। प्रणाली पर किया गया कार्य का मात्रा है W, ताकि उसका आंतरिक ऊर्जा हो जाए E2। तब E2 बराबर है E1+Q+W, तो E2-E1 बराबर हो गया Q+W, जहां पर डेल्टा E बराबर है Q+W। समीकरण नंबर एक, जहां पर डेल्टा E बराबर है दोस्त आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, Q है हमारा ऊष्मा और W है किया गया कार्य। निम्नलिखित चिन्ह परिपाटी के अनुसार साइन को पुट किया जाता है Q और W के मान के अनुसार, जिसमें समीकरण एक है हमारा सामान्य समीकरण। प्रणाली के द्वारा किया गया कार्य को नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, प्रणाली के द्वारा किया गया कार्य को पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, प्रणाली के द्वारा त्यागा गया ऊष्मा को नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, प्रणाली के द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा को पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। यदि एक गैस को फैलाया जाता है कांस्टेंट तापमान पर, जहां पर बाहरी प्रेशर के विरुद्ध वॉल्यूम V1 से V2 में कन्वर्ट हो जाता है, तब गैस के द्वारा किया गया कार्य बराबर है W-P∆V प्राप्त होता है, जो समीकरण नंबर दो है हमारा। यहाँ पर प्रेशर है, वॉल्यूम है और वर्क है, इसीलिए समीकरण नंबर दो को जानते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क के रूप में, जहाँ पर V बराबर है V2-V1। V2 हमारा फाइनल वॉल्यूम है, V1 हमारा इनिशियल वॉल्यूम और V हमारा चेंज इन वॉल्यूम। तो हम लोग के पास है तो ΔE बराबर होता है दोस्त Q+W, तो ΔE के लिए ΔE लिख दिए और Q के लिए Q लिख दिए, और W बराबर होता है -P∆V, तो Q बराबर ΔE+P∆V प्राप्त हुआ, जो समीकरण नंबर थ्री है। समीकरण नंबर थ्री को दूसरे रूप में लिख सकते हैं ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, जहाँ Q हमारा हीट है दोस्त, ΔE हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर और ΔV हमारा चेंज इन वॉल्यूम है। 1 लीटर ATM बराबर होता है दोस्त 1 लीटर × 1 ATM, तो 1 लीटर बराबर होता है 10³ m³³ गुना के लिए गुना का साइन दिए, और 1 ATM बराबर होता है 1.01325 × 10⁵ N·m², इसको कैलकुलेट किए तो 101.325 N·m प्राप्त हुआ। तो 1 लीटर ATM बराबर होता है 101.3 जूल। 1 प्रणाली परफॉर्म करता है 75 जूल कार्य 50 जूल ऊष्मा देने पर, तो ज्ञात कीजिए उसका आंतरिक ऊर्जा। तो ΔE बराबर होता है दोस्त Q+W, जहाँ ΔE हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q
क्यू है हमारा हीट और डब्ल्यू हमारा वर्क, जहाँ पर वर्क हमारा क्या -75 जूल और क्यू हीट है हमारा +50 जूल। तो प्लस का साइन मतलब हो गया दोस्त ये हीट को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो डेल्टा ई बराबर हो गया क्यू के लिए +50 जूल लिए और डब्ल्यू की जगह -75 जूल लिए, तो डेल्टा ई बराबर प्राप्त हो गया -25 जूल। एक प्रणाली अवशोषित करता है 500 जूल हीट को 50 जूल कार्य करने पर, 50 जूल कार्य करता है अपने चारों तरफ, तो ज्ञात कीजिए आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को। तो डेल्टा ई बराबर होता है दोस्त क्यू प्लस डब्ल्यू, जहाँ डेल्टा ई हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू है हमारा हीट और डब्ल्यू क्या है वर्क। तो हीट हमारा दोस्त +500 जूल, तो पॉजिटिव का मतलब हो गया 500 जूल हीट को गेन किया और वर्क है हमारा -50 जूल। तो डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू है, तो क्यू है +500 जूल और डब्ल्यू -50 जूल, तो डेल्टा ई बराबर प्राप्त हुआ +450 जूल। एक गैस अवशोषित करता है 2000 जूल ऊष्मा को, उसको फैलाने पर एक प्रेशर के विरुद्ध फैलाने पर, जहाँ पर प्रेशर 2 atm है और आयतन हमारा 0.5 लीटर से बढ़ जाता है 10.5 लीटर में, तो आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन क्या है वो कैलकुलेट कीजिए। तो किया गया कार्य को ज्ञात करेंगे, तो W बराबर हो गया -P∆V, जहाँ W हमारा वर्क डन, P है हमारा प्रेशर और डेल्टा भी हमारा चेंज इन वॉल्यूम, जहाँ पर प्रेशर हमारा 2 atm और डेल्टा भी बराबर होता है V2 - V1, तो V2 हमारा फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम है 10.5 और V1 हमारा इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम 0.5, तो डेल्टा भी बराबर प्राप्त हुआ तो 10.0 लीटर। W बराबर होता है दोस्त -P·∆V, जब P हमारा प्रेशर है तो प्रेशर 2 atm है, चेंज इन वॉल्यूम 10 लीटर है, इसको गुना किए तो -20 लीटर atm प्राप्त हुआ, -20 के लिए -20 ली दिए और 1 liter atm बराबर होता है 101.3 जूल। इसको कैलकुलेट किए तब वर्क डन हम लोग को -226 जूल प्राप्त होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ज्ञात करना है, तो डेल्टा ई बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, जहाँ डेल्टा ई हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू है हमारा हीट और डब्ल्यू हमारा वर्क डन, तो क्यू है हमारा दोस्त +2000 जूल और वर्क डन है हमारा -226 जूल, तो डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी -26 जूल प्राप्त होता है।